आज के कार्यक्रम का पहला गीत बिल्कुल साधारण सा माननीय भैया जी के लिए है, दादाजी के लिए है। हेलो हेलो का है किसी वाला कभी भिखारी नहीं हो सकता और भरा भंडार भोलेगा तो खाली हो नहीं सकता। दादाजी एक बात हम आप सभी जानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अपनी बात में कहता है तो देव और नहीं तो पत्थर। और इसी बात को हमारे देश के सबसे सम्मानित प्रधानमंत्री परमाननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था कि कंकर कंकर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर। तो आइए और सबसे विशेष बात कभी हमारे गुरुवर गुरफानी जी एक पंक्ति गाया करते थे, केवल उनकी पंक्तियों का आधार है। गुरुवर स्वर्गीय श्री तुफानी जी ने कहा कि मानो तो मैं रामायण हूं और ना मानो तो एक ही कहानी। और इसी स्वर्गीय श्रृंखला में एक और कीर्तन जगत के भीष्म पितामह स्वर्गीय दादा जवाहर जी ने भी कहा था कि ना मानो तो एक पुस्तक हो और ना मानो तो भगवत गीता। लेकिन आज महेंद्र पांडे एक बात अलग से लेकर आया है और वो बात कह देंगे जो द्वारा सुन लिया एक पंक्ति आई हिंदू दुनिया ने कहा कि मानो तो मैं गंगा हूं लेकिन बेहतर हो गया कहना इस भव्य भूमि भारत में हर भूमि भारत में कंकल कंकल में शंकर ना मानो तो एक पत्थर है ना मानो तो एक पत्थर है और मानो तो भोलेनाथ
ये संयुक्त परिवार एक परिवार एक परिवार की ओर से ये पूरी लिस्ट वही है भैया, एक बार पुनः सुने आप लोग। आज श्री राम विनोद वाजपेयी जी, श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, श्री मनोहर आजाद जी, श्री कुलदीप पांडे फौजी जी और आप श्री यशवंत सैनी भैया, महेंद्र शुक्ला भैया, आयोजन जालबाग कलावती कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्रमादी श्री राम कुमार यादव जी, अध्यक्ष जी श्री राम सेवक यादव जी, आयोजक नमस्ते बहू सुभाष मिश्रा जी जो कि सच्चिदानंद शर्मा आयोजक मालिक नसराय, नीरज कुमार दीक्षित भैया आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। हमारे गुलाब जाता बैठे हैं और अभी आप लोग सुनेंगे कहना पड़ा अभी आपके मुंह में घी सककर इस हर भूमि भारत में इस हर भूमि भारत नाम तो एक पत्थर है और मान तो भोले शंकर, नाम तो भोले शंकर, नाम तो एक पत्थर है और मान तो भोले शंकर। कहना है शिव महाकाल कालेश्वर, कालों के काल कहलाते और शिव महाकाल कालेश्वर और पावन प्रयाग में शोभित, पावन प्रयाग में शोभित कामेश्वर सोमेश्वर, उसी प्रयाग में जमुना जी के किनारे मन कामेश्वर किला के बगल में और उधर अरे झूसी में सोमेश्वर गंगा जी के किनारे और भोले सचमुच भोले
वास्तव में भोला है। तो भोले वास्तव में भोले हैं और भोले सच मुच भोले हैं। ये कहे दुनिया वाले जग जग के लिए जगधारी, जग जग के लिए जगधारी, जग जान चेहरे पीरावे। जग जग ये हमारे परिवार वाले गुलाब चाचा जी जिनका बड़ा स्नेह हम सबके ऊपर रहता है, आप जोर से जोर से सुन रहे हैं इन्हीं पंक्तियों पर कि जग जग के लिए जटाधारी जग जाने जहर भी डाले और कहीं नीलकंठ भी कहलाए। पत्थर है नाम तो एक पत्थर है और नाम तो शंकर है। उसको ही गले लगाए तब मन से सती हो रहा तो फिर क्यों लगे तब मन से सती हो रहा तो फिर क्यों कांधे उठाए। शिव संकल्प की मनमाही और यही तब सती भेट गया और जब अब करम सती सच प्रीति तुम मिटई भगत पथ होए वही भोलेनाथ। आखिर क्यों सती को कांधे पे उठाए और दर दर भटकते कोई समझ सका अब तक इन पंक्तियों पर
हमारे ढोलक वादक जो कि तिवारी की कानपुर से बधा रहे हैं, आज भी बड़े भैया कुलदीप छोटे भाई कुलदीप जी की ओर से एक से एक बधाई आपके लिए है, धन्यवाद है। और हमारे साहू जी का गान हो गया है, कभी कभी झंडे में साढ़ लग जाता है, साहू जी का गान हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखें अंतिम पिप्पी गीत ये पिप्पी है कि भोले भाल पर हर भोले भाल पर हर चम 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 के चंदा और लहर 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 है जिनकी जगा महेंद्र शीश झुकाए नामान तो ये पत्थर है और मान तो भोले शंकर है, नामान तो ये पत्थर है नामान तो भोले शंकर है। हमारे परमात्मा श्री सरल प्रेमी किशन जी जिनके ज्ञान गुरु परम श्रद्धे दादा श्री हरिशन शर्मा जी कानपुर हैं, आपकी ओर से ये क्यों समर्पित है धन्यवाद है। लेकिन कहना है इस नामान तो ये पत्थर है और मान तो भोले शंकर है, मानो तो रहा दे रहा दे रहा दे बड़ी प्यारी सुनो, क्योंकि आपने अपने शब्दों में बहुत सुंदर गीत और बहुत कठिन गीत चलो 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 बहुत अच्छा।
अब इसमें अभी तक जितने भी गीत हमारे सामने आए उसमें एक बात आती थी मानो तो लेकिन आपने अपोजिट कर दिया। दूसरी लाइन पहले आती है के इस भव्य भूमि भारत में कंकड़ में शंकर और ना मानो तो पत्थर और मां और मानो तो भोले शंकर। बहुत प्यारा गीत है, बहुत सुंदर सुंदर पूरे गीत में आपने बहुत करामाती बातें लगाई हैं। कोशिश है उनके नामों को आपने सार्थक किया है, तो आइए प्रयास है इधर से भी चूंकि उधर से भगवान भोलेनाथ का प्रसंग आया है तो देखिए उनके साथ में कौन है। सकल सृष्टि की जननी महेंद्र भैया जो ये जो शक्ति है ये तो शक्ति है लेकिन इसके साथ में कौन है वो आदि शक्ति अंश वही है। तो इस सकल सृष्टि की जननी जो जन जन में समाई तो अब वही बात आती है के ना मानो तो एक नारी हूं ना मानो तो एक नारी हूं मानो तो हूं महामाई ना मानो तो एक नारी हूं मानो तो है महामाई। कुलदीप फौजी भैया क्योंकि उधर आपने भगवान भोलेनाथ को दिखाया है कालों के काल महाकाल कालेश्वर मन कामेश्वर सोमेश्वर इस प्रकार से आपने शब्दों से भगवान भोलेनाथ का मनन किया है लेकिन इधर बिना उनके उनका काम चल नहीं सकता। माँ भवानी के बिना भोलेनाथ नहीं रह सकते इसलिए शिव महाकाल कहलाए इसलिए बिन
एक बात कही थी, तन मन से सती को त्यागा तो भार उठाए। उसका एक कारण है सीधा सा छोटे भैया के, यह तन उनका संकल्प था, यह तन सती भेंट अब नहीं, यह तन सती भेंट अब नहीं, सिव संकल्प कीन मन। उन्होंने संकल्प ले लिया था और वो भी सती के तन को, सती के तन को त्यागा था, ना ना सती को, उनके तन को त्यागा था ना कि सती को, फिर वही मिली। तो कि कोई शक्ति को त्याग सका तक सरूजी नहीं जाने। विशेष बात, एक विरोधाभास आपने दिया तो एक विरोधाभास इधर से भी। तब सती भी लीन हुई, तब सती भी लीन हुई, के तब तक शिव जीना जागे।